हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी की किचन। आज मैं मसाला पराठा बना रही हूँ और बरसात के मौसम में इस तरीके का पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। नॉर्मल पराठे से एकदम हटके पराठा बनता है ये। तो अगर आपको कुछ ऑयली खाने से थोड़ा सा हटकर खाना है और थोड़ा चटपटा भी खाना है तो इस तरीके का पराठा आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये आटा ले लिया है। आटा आपके घर में जितने सदस्य हों आप उस हिसाब से लीजिएगा। और इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल लिया है मैंने ये, और ये लिए हैं कुछ मसाले जो मैं आटे में मिक्स करूँगी। तो ये है नमक, और ये है अजवाइन, और ये है धनिया, और ये हींग है, और जीरा है, चिली फ्लेक्स है। बस ये सारे मसाले हैं। जो आप नहीं खाना चाहें उन्हें आप हटा सकते हैं। आटे में आप घी, तेल, जो भी आपकी मर्जी है वो आप डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं बेसन डालूंगी। ये 3 स्पून के करीबन मैंने बेसन लिया है, नॉर्मल जो स्पून घर की होती है खाने वाली। बेसन डाल के पराठे आपके बहुत ही टेस्टी बनेंगे, तो आप इसे बिल्कुल स्किप ना करें। बेसन होता भी है हमारे यहाँ। और ये है सूजी। अगर आपको क्रिस्पी पराठा खाना है तो आप सूजी डालें, अगर आपको एकदम नॉर्मल और सॉफ्ट पराठा खा के एंजॉय करना है तो बिल्कुल मत डालें। लेकिन मुझे एकदम क्रिस्पी पसंद है तो मैं इसीलिए डाल रही हूँ। आप भी ज़रूर डालिए, एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत ही क्रिस्पी अच्छा पराठा बनता है। और ये सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए मैंने। अब जाएगी इसमें एक कसूरी मेथी। कसूरी मेथी पूरी पराठे में हम नॉर्मली भी डालते ही हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है कसूरी मेथी, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो इसे बिल्कुल स्किप ना करें। और इसमें थोड़े से मैंने ये धनिया पत्ती डाल दी है, ये और इसका टेस्ट थोड़ा सा एनहेंस हो जाएगा धनिया पत्ती डालने से। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे, जैसा हम पराठे का लगाते हैं। नॉर्मल पराठे का डो लगता है बिल्कुल वैसा ही डो इसका लगेगा। डो आप बिल्कुल टाइट ना लगाएं, सॉफ्ट ही होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसका डो लगाते जाएं। यकीन मानिए एकदम बढ़िया पराठे बनकर तैयार होते हैं। मैं आज ब्रेकफास्ट में इस पराठे को बना रही हूँ, और इसके साथ में आपको अगर जल्दी होती है ना कभी भी तो इस तरीके का पराठा मैं बना लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जल्दी में हम सब्जी देखते हैं, अरे सब्जी काटेंगे बनाएंगे, टाइम नहीं मिल पाता इतना। तो ये पराठे फटाफट से बन जाते हैं, और इसमें ऑलरेडी इतने सारे मसाले हमने डाले हुए हैं तो इसका टेस्ट इतना अच्छा रहता है कि हमें बाकी सब्जी की तो इसके साथ ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। अगर रखी भी होगी ना तो भी आप सब्जी को टच नहीं करेंगे, ऐसे ही खा जाएंगे। पराठे दही चटनी के साथ में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मुझे आज सुबह थोड़ा सा जल्दी थी, इसीलिए मैंने सोचा आज क्यों ना मसाले पराठे बनाए जाएँ। और थोड़ी सी बारिश भी हो रही है आज हमारे यहाँ, तो इसीलिए मैंने ये पराठा बना लिया। देखिए आटा हमारा बनकर तैयार है, और हल्का सा घी या तेल लगाकर आटे को थोड़ा चिकना कर लें, जिससे आटा हमारा ड्राई नहीं होता। कि जब भी आप आटा लगाएं, मैं जब भी लगाती हूँ तो ऊपर से हल्का घी भी लगा देती हूँ उसमें, तो थोड़ा ड्राई नहीं होता है। और उसके बाद चलिए अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये लोइयाँ बना ली हैं। तो आपको जिस भी शेप का पराठा पसंद है आप उस शेप का बना सकते हैं। मैं राउंड शेप का पराठा बनाऊँगी, और लोई मैंने मीडियम ही बनाई है। आपको थोड़ा बड़ा पराठा खाना है तो उस हिसाब से लोई बनाइए, छोटा है तो छोटी लोई बना लीजिए। तो बस जैसे पराठा हम नॉर्मल बेलते हैं बस उसी तरीके से इसको भी बेलना है। बीच में मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी, और इसको प्लेट्स, जैसे हम प्लेट्स डालते हैं बस उसी तरीके से प्लेट्स डालते हुए बस फोल्ड कर दूंगी मैं इसको। घर में भी आप इसी तरीके से पराठा बनाते होंगे शायद, तो वही बनाने का कुछ भी अलग मेथड नहीं है। बाकी आप ट्रायंगल शेप चाहते हैं तो ट्रायंगल शेप का बना सकते हैं। और तवा मैंने पहले ही गैस पर रख दिया था, तो वो तवा हमारा हल्का गर्म हो रहा है, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना, हाई बिल्कुल मत करना गैस का फ्लेम। क्योंकि हाई फ्लेम पर पराठे एक तो सॉफ्ट बनते हैं, ऊपर से जलने का भी डर रहता है, तो वो क्रिस्पनेस नहीं आती है जो पराठे में हम चाहते हैं। तो पराठा सेकें तो मीडियम गैस पर सेकें।
तो ये पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है। और हल्का सा साइड से आपको मोटा रखना है, एकदम पतला ना करें, थोड़ा सा मोटा रखना है। डाल देंगे आप तवे पर, तो जब तक ये पराठा सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा ले लेते हैं अपना, और इसको भी बीच में चेक कर लेंगे। कलर दूंगी मैं इस पराठे को थोड़ी देर में। यकीन मानिए बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। अगर आपको बच्चों के टिफ़िन में भी रखना है तो भी आप इस पराठे को रख सकते हैं, क्योंकि तो कभी कभी नॉर्मल पराठे तो हम बनाते हैं उठ जाते हैं, तो कुछ अलग खाने का मन करता है, कुछ लगता है चटपटा खाना है, कुछ टेस्टी खाना है, जल्दी बन जाए, ऑयली भी ना रहे, तो इस तरीके का पराठा आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ऑफिस में भी आप रख सकते हैं। मान ली किसी दिन आपकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो लगता है यार ये तबीयत ठीक नहीं है, आज तो थोड़ा कुछ जल्दी वाला मैं कुछ बनाऊँ, तो इस पराठे को बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें फिलिंग हमें करनी नहीं है, हमने सारे मसाले इसमें मिला दिए हैं। फिलिंग वाला पराठा थोड़ा सा टाइम लेता है, और फिलिंग वाले पराठे में आपको आगे रेसिपी दूंगी पराठे की, तो उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है फिलिंग वाले पराठे में। बट इस पराठे को आप घी लगाकर अच्छे से बस चारों तरफ से प्रेस कर दीजिए, और मुझे एकदम क्रिस्पी पराठा चाहिए इसलिए मैं इसे पूरा नहीं फुलाऊंगी। और आप अगर सॉफ्ट पराठा खाएं तो इसे पूरा फूल जाएगा पराठा, तो वो सॉफ्ट रहता है, क्रिस्पी नहीं बनता। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसा खाना चाहते हैं, क्रिस्पी या सॉफ्ट, तो उस हिसाब से आप देखिए। मुझे एकदम क्रिस्पी पराठा पसंद है, मेरे घर में किसी को ही नहीं पसंद लाइट पराठा। तो मैं इसे चारों तरफ से प्रेस करते हुए और अच्छे से सेक लूँगी पराठे, और अब चारों तरफ से जब आप कच्ची से दबाएंगे इस पराठे को तो एकदम ही करारा पराठा बनता है। देखिए कितना बढ़िया सेका है पराठा, कहीं से भी आपको कच्चा नहीं लग रहा, एकदम ब्राउन हो गया है। तो इसी तरीके का पराठा एकदम मुझे चाहिए। बाद में मैं इसे कट करके जब आपको दिखाऊंगी तो देखना आप कितना क्रिस्पी पराठा बनता है। आप बच्चों के टिफिन में कभी इस पराठे को रखिए, उन्हें सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप चटनी या सॉस के साथ ही बच्चे इतने बढ़िया से खा लेंगे पराठे को। अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं बच्चों की, लेकिन आगे जब भी स्कूल खुलेंगे तो आप इस तरीके का पराठा बनाकर रख सकते हैं, अगर कभी देर हो रही है या फिर कुछ अलग खाने का मन है तो बच्चों का। और डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टी भी है और हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो और ऑयली भी बिल्कुल नहीं है, तो मुझे तो बहुत पसंद है ये पराठा। मैं इसे दही के साथ एंजॉय करने वाली हूँ इस पराठे को। दही में मैंने जीरा डाला हुआ है और थोड़ा सा काला नमक डालूँगी, बहुत टेस्टी लगेगा दही से खाने में। और लास्ट में मैं इसमें इसी तवे पर मिर्च से भूनी हुआ, आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता लगेगा। और प्लीज़ आप सभी लोगों से एक निवेदन है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और कुछ अभी और भी रेसिपीज़ मैंने डाली थी, एक पानी के अप्पे की रेसिपीज डाली है मैंने अभी, तो आपको वो सारी रेसिपी आपको मिल जाएंगी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो। मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपने कौन सी रेसिपी फॉलो की है और मेरी कौन सी रेसिपी आपको पसंद आई है। मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए पराठा हमारा बनकर तैयार है, तो सारे पराठे हम इसी तरीके से सेक लेंगे। थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसे, आधा एक मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है। नॉर्मल जो पराठा हम बनाते हैं वो अगर हल्का आपको सॉफ्ट पराठा चाहिए तो फटाफट बन जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन थोड़ा क्रिस्पी रखना है तो थोड़ा मीडियम गैस पर हमें थोड़ा सेकना पड़ेगा। तो ये पराठा एकदम गर्म गर्म ही खाने में मज़ा आता है एक्चुअली। जब भी आप पराठा सीखें तो तभी सीखें जब खाने वाले एकदम तैयार बैठे हों डाइनिंग टेबल पर, क्योंकि तवे से निकल के सीधे प्लेट में जाएगा ना तो वाह क्या टेस्ट होता है इस पराठे का। आप एक बनाएंगे और गरम खाएंगे तभी आपको पता लगेगा, और थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो उतना मतलब बढ़िया लगता है, लेकिन ठंडा होने के बाद एक्चुअली उतना टेस्ट बढ़िया नहीं आता जितना गर्म में आता है।
और आपको अगर ठंडा पराठा खाना है तो आप इसे थोड़ा सॉफ्ट सेक के रखिएगा, क्रिस्पी बिल्कुल मत करिएगा। अगर ठंडा पराठा क्रिस्पी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, फिर वो क्रिस्पी नहीं रहेगा, आपका पापड़ ही हो जाएगा पराठा एकदम। ये देखिए एकदम ब्राउन पराठा सिककर तैयार है, गरम गरम पराठे, एकदम हेल्दी नाश्ता बनने वाला है ये। और ये लास्ट में मैंने गैस ऑफ कर लिया, और ये हरी मिर्च में बीच में मैंने नमक डाल दिया है, और ये 3-4 हरी मिर्च हैं मेरे पास, इनमें मैं नमक अंदर डालकर और सेक लूँगी। और गैस को बंद कर दें, क्योंकि तवा ऑलरेडी हमारा इतना गर्म हो जाता है। हल्का सा प्रेस करें और इसे सेकते समय अपना एकदम सावधानी से सेकें, क्योंकि मिर्च को जब भी हम सेकते हैं तो थोड़ा ऊपर से चटक जाती है, तो कभी कभी हमारी आइज पर लग सकती है। तो इस तरीके से मैं अलग पलट के सेक लूँगी। मुझे इस टाइप की मिर्च बहुत पसंद है, मैं लंच में ज़रूर लेती हूँ इस टाइप की मिर्च। देखिए पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना क्रिस्पी पराठा बनाया, देखिए कटने से आपको समझ सकते हैं एकदम टेस्टी लग रहा है ना देखने में। ये देखिए हमारा पराठा बनकर एकदम तैयार है, मेरे पराठे सारे काट कर लिए थे ये इस शेप में। अब ये मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, इनके अंदर अजवाइन, जीरा, इतने सारे फ्लेवर हैं हींग वगैरह के, तो बहुत ही मस्त पराठा लगता है एकदम खाने में। अब मैं इसे दही के साथ एंजॉय करने वाली हूँ, आप चाहें तो इसे चाय के साथ एंजॉय कीजिए, चाय के साथ भी बहुत बढ़िया लगता है ये पराठा एकदम। और ये अभी तो गर्म गर्म है तो मैं फटाफट से इसे खाऊँगी अभी। ये देखिए इसके साथ में मैंने ये हरी मिर्च ली है, और ये कुछ थोड़ा सा मैंने सैलेड ले लिया है साथ में, और ये बस दही है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।